दुनिया में सबसे बड़ा बजट हैचबैक कहते हैं एंड छोटे फैमिली का बेस्ट बजट कार भी कहते हैं। छोटे हैचबैक कारों ने सबसे बड़ा माइलेज के एक स्थान की पकड़ के बैठा है मारुति सुजुकी अल्टो 800। इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले टायर की, चारों भी 12 इंच का टायर है, 12 इंच का आता है, आप देख सकते हो। ये रियर व्यूइंग का प्रोफाइल है। आप रियर से देखा हो तो बड़ा हैचबैक देखने से फील होगा, ऐसे तरह मैन्युफैक्चरिंग करा है सुजुकी ने। इसके साथ बड़ा टेल लैंप भी दिया है और रियर साइड में अल्टो की पैचिंग भी दे रहा है। ये BS4 इंजन है ना, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ अल्टो ही भी आता है, यानी 800 VXI LXI और कुछ भी बैजिंग नहीं आ रहा है। उसके साथ डिक्की खोलने का सुविधा भी दे रहा है, उसके साथ ORVM में फोल्ड करने का मौका भी है, सिर्फ VXI में आता है ये सुविधा। ये बड़ा एंटीना ड्राइवर की ऊपर राइट साइड आता है, GPS यानी FM रेडियो पर काम आता है। आपको डिक्की खोलने का मौका दो तरफ से आता है, ड्राइवर के नीचे नॉब की तरफ से खोला सकते हैं और चाबी से भी खोला सकते हैं। ये दो सुविधा दे रहा है। ये डिक्की स्पेस है, इस तरफ आते है 177 लीटर का डिक्की स्पेस है। ये पार्सल ट्रे है, इस तरफ स्पीकर भी बैठ सकते हैं, यानी सामान भी रख सकते हैं। अगर आपने इस तरह सब ऊपर चाहिए तो थोड़ी सी जगह बचाता है, आप देख सकते हो थोड़ी सी जगह बच सकते हैं। उसके साथ रिवर सेंसर भी आते हैं, दो सेंसर कंपनी से देते हैं। उसके साथ स्पेयर व्हील भी आता है, ये भी 12 इंच का टायर स्पेयर व्हील आता है। इसके साथ हाई माउंटेड स्टैंप लैंप भी आता है। ये साइड इंडिकेटर है, हैलोजन टाइप का आता है। ये राइट साइड व्यू है, आप देख सकते हो पूरी गाड़ी के राइट साइड की तरफ इस तरफ व्यू दिखाते हैं। ये ब्लैक का पट्टी साइड बीडिंग आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, गाड़ी के साथ नहीं आते हैं, ये एक्स्ट्रा पे देना पड़ता है। ये गाड़ी सारे जनरेशन की बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, इसलिए सारे जनरेशन की तो प्यारा लगता है। अल्टो 800 बस पेट्रोल वेरिएंट में आता है, इसमें आप 37 लीटर भरवा सकते हैं। दो हैंडल इस तरफ आता है, कोई क्रैब हैंडल टाइप ये नहीं आता है। फ्रेंड्स, ये अंदर की तरफ व्यू है, आप देख सकते हो ORVM ने इस तरफ दिए गए है, आप देख सकते हो जॉयस्टिक टाइप के दिए गए है, अचानक बारिश आ रही है तो अंदर बैठ के एडजस्ट कर सकते हो। इस टाइप का केवल मात्र K10 में दिया था, अब VXI मॉडल में आ गए हैं। ये चीज बेस मॉडल में नहीं आता है, केवल VXI प्लस में ये सुविधा है। एग्जिट टाइप की डोर कलर इस तरफ मिलता है, ये लॉक अनलॉक का बटन सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिया है। BS4 में यही था, BS6 में भी वही कंटिन्यू कर रहा है। BS6 में भी मेजर कोई बदलाव नहीं है, वही कंटिन्यू कर रहा है। इस तरफ कॉइन होल्डर दिया गया है, ये मैगजीन होल्डर है। इस तरफ स्पीकर दिया गया है, स्पीकर इनबिल्ट आता है VXI वेरिएंट में, LXI में नहीं आ रहा है। ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन का डोर पैंट दिया गया है, आप देख सकते हो। इसमें ड्रॉबैक ये है, डोर पैड में कोई बॉटल होल्डर नहीं दिया गया है, सिर्फ मैगजीन होल्डर कॉइन होल्डर दिया गया है। इस तरफ भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में वही दिया गया है, को ड्राइवर डोर पैड में सिर्फ और सिर्फ यानी मैगजीन होल्डर कॉइन होल्डर दिया गया है। ग्लो बॉक्स इस तरफ आ रहा है, छोटी सी ग्लो बॉक्स आ रहा है, गाड़ी भी छोटी है इसलिए ग्लो बॉक्स भी अच्छे से छोटा है, ठीक ठाक है। और डैशबोर्ड भी देख सकते हो, बहुत अच्छा है, बड़ा
बड़ा सा जगह है, गाड़ी के हिसाब से देख जाए तो अच्छा सा है, डैशबोर्ड बड़ा सा है, ठीक ठाक सामान बैठता है, आप देख सकते हो इस तरफ है। ये एसी का होल है, आप देख सकते हो एसी शील्ड है, विंडशील्ड। एसी इस गाड़ी में बहुत प्यारा सा अच्छा सा कह सकते हो आप। फ्रेंड्स, एसी इस गाड़ी में अदर गाड़ी से कॉकपिट के हिसाब से बात किया तो एसी में मारुति अल्टो 800 सबसे आगे निकलता है। एक और इस तरफ भी एसी की विंडशील्ड है, ये पार्किंग लाइट है। टोटली 4 एसी ग्रिल आता है, एसी का 2 मिडल आता है और 2 एक ड्राइवर की तरफ से, एक को ड्राइवर की तरफ से आता है। ये 100 टच स्क्रीन का है, पहले से कंपनी की तरफ से स्टॉक म्यूजिक सिस्टम आता है और आप आफ्टर मार्केट इस तरफ बैठा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसी कंट्रोल करने का बटन्स एंड नॉब्स टच स्क्रीन सिस्टम का नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये एसी का बटन है, ये एसी कंट्रोल करने का नॉब्स है, हीट एंड कोल्ड, ये भी एसी कंट्रोल करने का। टोटली 3 नॉब दिया गया है। ये चार्जिंग का पोर्ट है, कंपनी फिटेड है, ये कंपनी की तरफ से आता है। इसमें चार्जर लगा के आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हो। नीचे की तरफ से मोबाइल रखने का जगह दिया गया है, आप देख सकते हो। टोटली 2 मोबाइल का रखने का जगह सुविधा है। और आगे के आप देख सकते हो कप होल्डर दिया गया है, ये कप रखने का जगह है। टोटली 2 कप रखने का जगह है। ये गियर नॉब है, टोटली 5 गियर आता है इस गाड़ी में, रिवर्स के साथ टोटली 5 गियर आता है इस गाड़ी में। लेदर शील्ड कवर आता है गियर नॉब का, देख सकते हो। ये पावर विंडो का बटन है, इसके साथ आप विंडो कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ VXI एंड VXI प्लस में आता है ये ऑप्शन, LXI में नहीं आता है। आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। अल्टो में हैंडब्रेक इस तरफ है, इस तरह दिया गया है, आप देख सकते हो, हैंडब्रेक कह सकते हो। नीचे कप होल्डर दिया गया है, ये नाम के वास्ते बोल सकते हो, ये कोई काम के नहीं आ रहा है। ड्राइवर साइड की तरफ इस तरह आता है, नीचे आप देख सकते हो क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेटर, थोड़ा सा ऊपर आप देख सकते हो ये ब्लैक बटन दिया गया है, वो बायनेट खुलने का बटन दिया गया है। ये पेट्रोल गेट ओपन करने का, एक और डिक्की ओपन करने का 2 बटन दिया गया है, वो भी ड्राइवर साइड के राइट साइड में आता है। ड्राइवर साइड की तरफ आप देख सकते हो हेडलाइट कंट्रोल करने का ये नॉब दिया गया है, इसके साथ आपके हिसाब से हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हो। 2 ब्लैंक बटन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये स्टीयरिंग का लुक है, ये पूरा स्टीयरिंग का लुक है, आप देख सकते हो। ये 3 स्पोक्स नॉन एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ ये है, इसमें SRS एयरबैग आती है। टोटली 2 आते हैं, एक ड्राइवर साइड, एक और को ड्राइवर के साइड, ये 2 एयरबैग आता है। ये VXI वेरिएंट में इस तरफ चाबी आता है, आप देख सकते हो। सेंटर लॉक एडजस्टेबल चाबी आता है, सेंटर लॉक सिस्टम है, यानी कीलेस एंट्री कह सकते हो। कीलेस एंट्री VXI VXI प्लस वेरिएंट में आता है। LXI वेरिएंट में सेंटर लॉकिंग सिस्टम नहीं आता है, नॉर्मल। इस गाड़ी का ओडोमीटर है, आप देख सकते हो। इसमें डिजिटल एंड एनालॉग दोनों भी सिस्टम आते हैं, आप देख सकते हो। डिजिटल में
एनालॉग में स्पीडोमीटर दिखता है, डिजिटल में फ्यूल गेज एंड रनिंग हिस्ट्री दोनों देख सकते हो। एंड आप देख सकते हो ये इंजन मॉल फंक्शन का लाइट है, ये बैटरी का है, यानी लॉक एंड अनलॉक सिस्टम वो भी दिया गया है, एंड इंजन ऑयल का वो भी लाइट दिया गया है, सीट बेल्ट रिमाइंडर का वो भी दिया गया है। ओडोमीटर में वेरी यूजफुल कह सकते हो आप, वेरी यूजफुल फंक्शंस लाइट्स दिया गया है, सबको ड्राइवर पता चल गया, वेरी यूजफुल कह सकते हो। फ्रेंड्स ये हेडलाइट कंट्रोल करने का चीज़ ये लो बीम ये हाई बीम का है, इसमें साइड इंडिकेटर भी दिया गया है, आप देख सकते हो राइट साइड एंड ये लेफ्ट साइड का साइड इंडिकेटर भी कंट्रोल कर सकते हो। उसके साथ साथ ये हेडलाइट भी जला सकते हो, आप देख सकते हो इस फंक्शन भी करते हैं, ऑफ करने का भी इस चीज़ में है, हेडलाइट ऑन करने का ऑफ करने का चीज़ में काम आता है। फ्रेंड्स ये वाइपर है, वाइपर कंट्रोल करने का चीज़ काम आ सकता है बारिश में, आप देख सकते हो इसमें आपकी हिसाब से एडजस्ट करने का मौका भी दिया गया है। उसके साथ साथ सन वाइजर भी दिया गया है ड्राइवर की ऊपर में, ये चीज़ आता है, आप देख सकते हो इस एडजस्ट भी कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके साथ फ्रेंड्स को ड्राइवर की ऊपर भी एक और सन वाइजर दिया गया है, ये भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स एक छोटा सा मिरर भी दिया है, कंपनी के साथ आता है, ठीक ठाक दिखा सकते हो आप इसमें रियर चीज़ों को सबसे अच्छे से दिखा सकते हो। एक नाइट लैंप भी दिया गया है, आप देख सकते हो ये सिर्फ आगे का है, नीचे कोई नहीं, कोई और लैंप नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स ये ग्रैब हैंडल है, को ड्राइवर के ऊपर एक आता है, उसके साथ फ्रेंड्स नीचे पैसेंजर सीट भी दो ग्रैब हैंडल आ रहा है, आप देख सकते हो टोटली तीन ग्रैब हैंडल दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स ड्राइवर की सीट साइड के कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स ये ड्राइवर साइड की व्यूइंग है, आप देख सकते हो ये इस तरफ सीट एडजस्ट करने का सुविधा है, आप देख सकते हो आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इस सीट में। एक और चीज़ है, आप देख सकते हो नीचे से लेट करने का यानी एडजस्ट करने का ये भी मौका दिया गया है, आप देख सकते हो। एक और अच्छी चीज़ है इस गाड़ी का लेगरूम, आप देख सकते हो इस तरफ आता है, लेगरूम बहुत ठीक ठाक है। मेरे हाइट तो 5 feet 10 inch का, आप देख सकते हो हेडरूम भी बहुत ज़्यादा, यानी आप देख सकते हो 5.10 है मेरी हाइट, इस तरफ आता है लेगरूम एंड हेडरूम, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स कहने का मकसद ये है आप 6 6 plus समथिंग हो, थोड़ी सी दिक्कत आता है, आप 5 5 something ठीक ठाक बैठ के गाड़ी चल सकते हो। फ्रेंड्स ये पीछे पैसेंजर की तरफ से सीट है, आप देख सकते हो मेरी तरह स्लिम आदमी हो तो 3 आदमी बैठ सकते हो इसमें, लेकिन अच्छे से हट्टे कट्टे आदमी हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते हो। हेडरूम भी आप देख सकते हो ठीक ठाक है, बजा सकते हो मेरी तरफ से 5 feet 10 inch हो तो। नीचे आप देख सकते हो सीट में पॉकेट भी दिया गया है, नीचे भी आप देख सकते हो दोनों ड्यूअल टोन की डोर पैड दिया गया है, आप देख सकते हो। नीचे आप देख सकते हो कोई पावर विंडो नहीं दिया गया है। फ्रेंड्स ये अल्टो 800 का पूरा फुल रिव्यू है, आप देख सकते हो ठीक ठाक है।
आम आदमी का बजट का हैचबैक है, सबसे बड़ा हैचबैक में चीपेस्ट गाड़ी है, थोड़ी सी जगह में पार्किंग कर सकते हो ये गाड़ी में। फ्रेंड्स, ये गाड़ी को मैंने 20,000 किलोमीटर चला गया है। कोई क्वेरी हो तो कह सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।